हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी एक और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। तो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ा टाटा का माइक्रो टैंक एंड दोस्तों कार है आपकी टाटा पंच सीएनजी बेस वेरिएंट, यानी प्योर के नाम से दोस्तों आता है बेस वेरिएंट। बाकी दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस की बात करें अगर इस सीएनजी बेस वेरिएंट की, तो 7,10,000 एंड ऑन रोड प्राइस दोस्तों लगभग 8,40,000 8,50,000 समथिंग की कार आपको पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस कार का कंप्लीट बैकग्राउंड एंड जानने की कोशिश करेंगे इसमें आपको क्या क्या नए फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं विद सीएनजी वेरिएंट। बाकी सीएनजी वेरिएंट में अगर दोस्तों इसके माइलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 से 26 के दोस्तों इसमें कंपनी एवरेज क्लेम करती है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें एवरेज मिल जाएगा विद सेफ्टी। सो फ्रंट में दोस्तों बात करेंगे, फ्रंट में आपको ज़्यादा नहीं मिलता, टाटा का लोगो मिलेगा एंड जो टर्न सिग्नल मिलते हैं दोस्तों वो आपको हैलोजन बेस्ड पार्किंग लाइट्स यहाँ मिलती हैं। बाकी जो लाइट सेटअप मिलता है वो आपको मिलने वाला है हैलोजन बेस्ड के साथ, यानी रिफ्लेक्टर वाला। नंबर प्लेट की आपको डेडिकेटेड पोजीशन मिल जाती है कुछ इस टाइप से, लोअर पंपर मिलेगा एंड फॉग लैंप इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल बेस वेरिएंट है, यानी इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नॉर्मल से आपको कार दे दी जाएगी, मतलब आप जिसको ज़्यादा फीचर्स का शौक नहीं है उसके लिए दोस्तों कार बनाई गई है, बट सेफ्टी इस कार में बहुत ज़्यादा है। हम अगर टायर साइज़ की बात करें तो आपको 185/70 R15 का टायर साइज़ विथ स्टील व्हील रिम, फ्रंट में कंपनी डिस्प्ले ऑफर करती है, ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएंगे। अब रियर की बात करेंगे तो नॉर्मल दोस्तों आपको कंपनी ड्रम ब्रेक ऑफर करती है, यानी इसमें आपको पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। बाकी ये दोस्तों इसके साइड मिरर जो कि आपको मिलते हैं मैट ब्लैक में, टर्न इंडिकेटर मिलते हैं इंटीग्रेटेड एंड साथ ही बात करें ऊपर आपको रूफ क्रेस नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, सनरूफ भी नहीं मिलता एंड डोर हैंडल की बात करें तो मैट ब्लैक में, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। साथ ही यह है कार की पूरी साइड प्रोफाइल, अभी आप देख सकते हैं। सो अभी आप देख रहे हैं पंच की बैक प्रोफाइल दोस्तों, एंड बैक से बात करें तो काफ़ी मिनी लगती है। बाकी अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1745 mm की इसमें आपको चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बात करें क्या मिलता है बैक में, तो टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो दोस्तों ये आपको पूरा हैलोजन बेस्ड टेल लाइट सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वाइपर डिफॉगर कुछ नहीं मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट, नो सार्फिन एंटीना भी आपको नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आपको सीएनजी का दोस्तों स्टिकर मिल जाता है। बाकी टाटा का लोगो मिलता है, पंच की बैजिंग, ICNG की बैजिंग, दो पार्किंग सेंसर कंपनी ऑफर करती है, साथ में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर एंड नीचे की तरफ दोस्तों आपको मिलता है इसमें स्टेपनी व्हील। स्टेपनी व्हील की बात करें तो ऑलमोस्ट दोस्तों सेम साइज़ का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बूट की बात करें तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बेस मॉडल में, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, ठीक है। एंड ये है दोस्तों इसका बूट स्पेस, 210 लीटर का दोस्तों इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर होने के बाद। इसमें दोस्तों आपका ट्विन सीएनजी सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो उसमें आपको दो सिलेंडर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसके सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट दी गई है दोस्तों, दो सिलेंडर दिए गए, मैं आपको खोल के नहीं दिखा रहा हूँ। इसी के नीचे दोस्तों आपको सिलेंडर मिल जाते हैं दो, जो कि 30-30 केजी के हैं। सो अगर दोस्तों इसके गैस फिलिंग की बात करें एक टाइम पे, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 8-10 केजी की गैस एक बार में इसमें रिफ़िल हो जाती है। सो दोस्तों बूट में इतना ही कुछ मिलता है, चलिए बंद करते हैं इसको। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दोस्तों ये टाटा पंच सीएनजी बेस मॉडल का इंजन एंड इसमें आपको दोस्तों 1.2 लीटर का पेट्रोल रेबेट्रॉन इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 72 BHP एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी बोनट की बात करें, इंसुलेशन आपको मिल जाएगा, साथ ही दोस्तों कुछ नीट एंड क्लीन टाइप का आपको इसमें इंजन भी देखने को मिलता है। नीचे दोस्तों आपको किसी भी टाइप की प्लेट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी एंड एवरेज की बात करें तो 25-26 किलोमीटर का एवरेज दोस्तों कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलता है आपको इस कार में इंजन एंड बैक प्रोफाइल एंड फ्रंट प्रोफाइल। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है। डोर पैनल की बात करेंगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट कलर का पूरा डोर पैनल देखने को मिल जाएगा, ये आपका वाइट एलिमेंट। बाकी फ्रंट के आपको दोनों पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर ओपनर, स्पीकर आपको इस बेस वेरियंट में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस वेरियंट में आपको म्यूजिक सिस्टम आता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ बात करें तो आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को नहीं मिलता है, फैब्रिक आपको सीट मिलने वाली है अपोस्ट्री के साथ। बाकी ये रहेगा आपका मैनुअल वेरिएंट। यहाँ बात करें तो सीएनजी का बटन मिलता है, यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट विद ग्लॉसी एलिमेंट ट्रीट के साथ। तो चलिए चलते हैं कार के अंदर। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलता है इसका इंटीरियर, जो कि आपका मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर का है, काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों हम बात करेंगे इसके अगर स्टेयरिंग व्हील की, तो दोस्तों आपको नीचे देखिए थोड़ा सा फ्लैट मिल जाता है, कोई भी लेदरेट वर्क नहीं मिलेगा, टाटा का लोगो मिलता है, कोई भी आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते।
एंड ये है दोस्तों इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको कुछ इस टाइप से, काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों देखने में, जो कि पहले आपने देखा होगा अक्सर नेक्सन के मॉडल में, है ना। यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको वाइपर, जो कि आपके दोनों ही ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ साथ में देखने को मिलता है। कोई भी आपको टू डिन का म्यूजिक सिस्टम या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसी वेंट की प्लेसमेंट, हजार्ड का बटन कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। बाकी यहाँ बात करें तो ये आपको वाइट टेक्सचर्ड प्लास्टिक पार्ट। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ पर रहेगा आपका 5-speed मैनुअल वेरिएंट। बाकी यहाँ पर आपको 12-volt का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों बेस वेरिएंट में, ठीक है। एंड यहाँ बात करें तो 2 cup glass होल्डर विद मैनुअल हैंड ब्रेक। बाकी सीट में आपको बता ही चुका हूँ, फैब्रिकेट आपको सीट मिल जाएंगी। ग्लव बॉक्स की बात करें, काफ़ी बड़े साइज का इसमें आपको ग्लव बॉक्स कंपनी ऑफर करती है दोस्तों। एंड साथ ही बात करेगा इसके रियर व्यू मिरर की, तो दोस्तों आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस टाइप से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ मिलती है आपको कैबिन लाइट, जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ है। साथ ही बात करेगा सनवाइजर की, तो क्वालिटी अच्छी खासी, कोई वारंटी मिरर नहीं मिलता है। एंड इधर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, पैसेंजर साइड भी आप क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बेस वेरिएंट है, उस हिसाब से आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट आपको गाड़ी मिल जाती है 5-star सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलता है इसका इंटीरियर। अब चलते हैं दोस्तों हम इसकी बैक वाली सीट पर, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ मिलती है वो भी हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों बात करें अगर इसके पीछे वाले डोर की, तो यहाँ पर से कुछ इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। एंड डोर पैनल की बात करें तो यहाँ देखिए आपको वही पूरा प्लास्टिक का यूज़ मिलने वाला है। ये आपका वाइट पार्ट रहेगा। बाकी आपको मिरर चढ़ाने तो कुछ इस टाइप से मैनुअली करना पड़ेगा। कोई भी स्पीकर ट्विटर आपको देखने को नहीं मिलता इस वेरियंट में। एंड ये आपको डोर ओपन मिलता है ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट के साथ। सो इंटीरियर दोस्तों कुछ इस टाइप से मिलता है, जो कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर काफ़ी मस्त लगता है दोस्तों उसमें इंटीरियर। एंड दोस्तों अगर सीट की बात करें तो आपको बेंच टाइप की सीट देखने को मिल जाती है, कोई भी इसमें आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों इसमें आपको दो आइसोफिक्स सीट चाइल्ड माउंट देखने को मिल जाती है। साथ में ही दोस्तों पूरा आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है। अब दोस्तों हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। एंड बात करें दोस्तों अगर नी रूम की, तो आप देख लीजिए अच्छा खासा नी रूम है। थाई सपोर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी कोई भी आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। सो दोस्तों इतना ही कुछ मिलता है इसके इंटीरियर में। आपको दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ टाटा पंच सीएनजी प्योर। एंड अगर इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें 7,10,000 रुपये की दोस्तों आपको कार। एंड कंप्लीट बात करें ऑन रोड तो ऑलमोस्ट दोस्तों 8,10,000-8,20,000 की दोस्तों आपको कार पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड दोस्तों अभी इस कार पर चल रहा है 50% RTO ऑफ अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।